जिस उम्र में आमतौर पर लोग दुनिया छोड़ देते हैं या चारपाई पकड़ लेते हैं, उम्र की उस दहलीज पर हिंदुस्तान में एक ऐसा नेता है जो 89 साल की उम्र में भी सियासी अखाड़े में ताल ठोक रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की। आदमपुर के दंगल में पांचवें खिलाड़ी हैं पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर किसी के संघर्ष की मिसाल दी जाए, किसी को बुरे दिनों से लड़ने का एक इम्तिहान दिया जाए, प्रेरणा दी जाए, तो उसमें ओम प्रकाश चौटाला का नाम अव्वल रहेगा। बेशक इसमें इनेलो दुर्गति के दौर से गुजर रही है, लेकिन आदमपुर के उपचुनाव में ओम प्रकाश चौटाला 89 साल की उम्र में भी सक्रिय हैं, अपने प्रत्याशी कूड़ाराम नंबरदार के लिए वोट मांग रहे हैं और जीत का दावा भी कर रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला की हिम्मत का दाद देनी पड़ेगी, उनके जज्बे को सलाम करना पड़ेगा। उन्हें पता है कि उनकी पार्टी बहुत नीचे जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी है और लगातार हर रोज एक दर्जन गांव का दौरा करके अपनी पार्टी इनेलो के लिए जमीन वापस पाने की जंग लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला ने हथियार नहीं डाले हैं। उनकी खुद की गलतियों के कारण परिवार में सियासी विभाजन हुआ और उनके पोते की पार्टी सत्ता के हिस्सेदार बन गई। लेकिन चौटाला किस बला का नाम है, चौटाला में कितनी हिम्मत है, चौटाला में कितना दम है, ये देखना है तो आदमपुर में आ जाइए। बेशक उम्र के साथ साथ उनके तेवर तीखे हो गए हैं, अब वे हमलावर अंदाज की बजाय एक बुजुर्ग की तरह वोट मांगते हैं। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर सियासत में सक्रिय होना एक बड़ी हिम्मत की बात है, बड़े एक जादुई संघर्ष की बात है। ओम प्रकाश चौटाला ने वो कर दिखाया है जो हिंदुस्तान में सिर्फ प्रकाश सिंह बादल ही इनसे पहले कर पाए। ओम प्रकाश चौटाला इनेलो को वापस उसकी जमीन दिलाने के लिए, वापस जनाधार दिलाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। ये अलग बात है कि उनकी मेहनत का असर कम नजर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद ओम प्रकाश चौटाला लगातार फील्ड में हैं और आदमपुर के एक पांचवें खिलाड़ी के तौर पर एक नया माहौल बनाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि आदमपुर के लोग ओम प्रकाश चौटाला को नेता मानकर क्या इनेलो प्रत्याशी को वोट देते हैं या उन्हें सिर्फ बुजुर्ग के तौर पर देखकर सुनकर घर चले जाते हैं। ओम प्रकाश चौटाला का आदमपुर में एक्टिव होना आदमपुर के चुनाव को, आदमपुर के दंगल को नई रंगत देने का काम कर गया है। ओम प्रकाश चौटाला को यह बखूबी पता है कि 2019 के चुनाव में सिर्फ 1900 वोटों पर रह गई उनकी पार्टी को दोबारा से सत्ता की दावेदार बनने के लिए एक करिश्मे की जरूरत है। ओम प्रकाश चौटाला को यह भी पता है कि उनके पास आदमपुर में कैडर नहीं बचा है। ओम प्रकाश चौटाला को यह भी पता है कि उनके ज्यादातर वोटर शिफ्ट हो चुके हैं। ओम प्रकाश चौटाला ये भी जानते हैं कि इनेलो को वापस पटरी पर लाना, वापस सत्ता की सरताज बनाना चैलेंजिंग काम है, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला ने हिम्मत नहीं हारी है। वे लगातार पार्टी के वर्करों को 89 साल की उम्र में भी कुछ करने के लिए जज्बाती तौर पर मजबूत कर रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला अभी भी अगले चुनाव में अपनी सरकार बनाने का दावा करके लोगों की भलाई के लिए काम करने का संकल्प ले रहे हैं। वे युवाओं को नौकरी देने के बदले खुद को फांसी पर चढ़ाने के लिए भी तैयार हैं। ओम प्रकाश चौटाला के इस जज्बे और जज्बात को क्या कहेंगे। निश्चित तौर पर ओम प्रकाश चौटाला एक ऐसी मिसाल हैं जिनकी बराबरी कोई दूसरा नहीं कर सकता। राजनीति में सितारे चढ़ते हैं और डूबते हैं। यह हकीकत है कि चौटाला साहब का सितारा डूब चुका है। उनकी सियासत की जमीन अब उनके पोते दुष्यंत चौटाला के हाथों में चली गई है, लेकिन चौटाला साहब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे लगातार मैदान में डटकर यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके हौसले बुलंद हैं और वो अंतिम सांस तक लगातार संघर्ष करेंगे और मैदान में डटे रहेंगे। इसी का नाम जिंदगी है, इसी का नाम हिम्मत है और इसी का नाम चौटाला है।